मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंची प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता उमा भारती ने शराब नीति पर कहा कि उनकी सरकार से बात हुई और सहमति बनी है कि नई शराब की नीति में उनकी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बातों ही बातों में उमा भारती ने सरकार को खुली चुनौती भी दे दी। उमा भारती ने कहा कि मैंने पार्टी के लोगों से, सांसद और विधायकों से बात की है और उन्हें अंदर ही अंदर शराब नीति को लेकर आवाज उठाने के लिए कहा है, क्योंकि वह वन विहार के शेर है और मैं जंगल का बाघ हूँ। मैं खुलकर बोलूंगी, तुम मर्यादा में रहकर अंदर ही अंदर बोलो। उमा भारती से पूछा गया कि प्रदेश में नशाबंदी या शराबबंदी, उन्होंने कहा कि दोनों ही अलग चीजें हैं। नशा ऐसी चीज है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे और शराब ऐसी चीज है जिसमें कुछ चीजें सरकार के हाथ में है, जैसे वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बढ़ाती, लेकिन सरकार आपको बढ़ाती है। उमा से जब पूछा गया कि शराब दुकान शॉपिंग मॉल में बन गई है तो क्या आप डंडा लेकर निकलेंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी जब नई शराब नीति बन रही है उसमें हमारी कई बातें शामिल होंगी, तो फिर जरूरत नहीं होगी कि डंडा लेकर निकला जाए। ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन एक में एक मूल में एक पानी पिला। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीजें सरकार के हाथ में है, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। दीदी, इस धार्मिक स्थल से मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पिए। इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करो, वितरण प्रणाली को नियंत्रित करो। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है, ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें मेरी हुई। दुर्भाग्य हुआ कि मैं गंगा जी की यात्रा पे थी जब ये नीति घोषित हो गई। ये बहुत ख़राब नीति घोषित हुई। 550 मीटर की दूरी कोई दूरी होती? मैंने अधिकारियों से कहा कि 50 मीटर की दूरी में तो तुम्हारे बंगले के अंदर शराब की दुकान खोली जा सकती थी, और तुमको इसकी परवाह नहीं है कि माँ बहनों बेटियों का क्या होगा। और इसलिए अंत में शिवराज जी और हम एक हुए इस मामले को लेकर के। दीदी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शिवराज जी और मैं, और 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें तय हुआ कि नई नीति जो बनने ही वाली है उसमें इन सारी बातों का ध्यान रख करके ही नई वितरण प्रणाली होगी, जिसमें कि इन सारे स्थानों की मर्यादाओं का पूरा ध्यान रख करके ही होगी। ये अभी तक की बात है, अब आगे जो स्थितियां बनेंगी वो तो मैं तो पार्टी के लोगों को बोल रही हूँ, रुको, सांसदों और विधायकों को और पार्टी पदाधिकारियों को मैंने कहा कि तुम मर्यादा के अंदर ये बात कहो, बैठक में कहो, सब जगह पे। मैं, तुम लोग वन विहार का शेर हो और मैंने कहा मैं खुले जंगल का बाघ हूँ, तो मैं खुले बोलूँगी, लेकिन तुम लोग भी अंदर अंदर बोलो। और ऐसी स्थिति बन जाए, शिवराज जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, दीदी शर्मा जी भी चाहते हैं, तीनों हम इस मामले में एक सुर हैं कि नई शराब नीति में वो सारी बातें होंगी जो उस दिन तय हुई हैं। शराब दुकानें शॉपिंग मॉल बन गई है, डंडा लेकर निकलेंगे आप? अभी जब नई शराब नीति आएगी तो उसमें ये सारी बातें जब इनकॉर्पोरेट हो रही हैं कि वो जन परिषद से दूर ही होंगी, तो फिर डंडा लेने की बात आएगी। और आगे आके फिर बढ़ेंगी, तो ये शराब नीति में एक प्रश्न। अब ये बात जो है वो नई शराब नीति में परामर्श की बैठक जब होगी तो आ जानी है। हमें शिवराज जी ने देखे, वो व्यक्ति बहुत सतोगुणी है, स्वयं बीदी शर्मा भी बहुत सतोगुणी व्यक्ति हैं, निजी जीवन में उनके बहुत शुचिता है, वो भी शराब के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए ये बातें उस समय पर आएंगी और ये उठेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी आज कि इसमें जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कमी नहीं रहनी चाहिए। विधायक हैं, पार्षद हैं, परिषदों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, और क्या बोलते हैं, सांसद हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। ये तो शराब दुकान चला रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन इनकी जिम्मेवारी बनती है। एक मिनट, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये भी सरकार से अपनी मर्यादा में रहकर, मर्यादा तो नहीं तोड़ सकते, खुलेआम सड़क पे अपनी सरकार की चीचा लेना नहीं कर सकते, लेकिन गोपनीय तरीके से इसका प्रतिरोध करना चाहिए। मध्य प्रदेश से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।